नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जो कि नर्सिंग के लिए सुप्रसिद्ध है, GKM नर्सिंग पॉइंट में। बच्चों आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि भाई आने वाली परीक्षा में जो सिलेबस है उसको आप किस तरीके से अच्छे से कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे और कम समय में अच्छे से स्कोर आप कैसे कर सकेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके जो 5 सब्जेक्ट्स है किस में बच्चों, PNST में, इस PNST की परीक्षा में आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, GK एंड इंग्लिश, इन सभी 5 सब्जेक्ट को आप किस तरीके से पढ़ेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई समय बहुत कम है और कुछ नया पढ़ना बिल्कुल मूर्खता होगी। ओके बच्चे लोग, तो देखिए आपके पास में जितना आपने इन सब्जेक्ट्स में पढ़ रखा है उन्हीं को आपको रिविज़न करना है सारे सब्जेक्ट का, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, GK का और इंग्लिश का। ओके, इसके अलावा आपको साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी। अभी हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई बहुत ही कम समय है, कम समय में याद रखिएगा कि लेस इज मोर, कि जितने कम चीज़ों को, जितने कम अमाउंट ऑफ थिंग्स को आप जितने बार बार पढ़ेंगे मतलब रिविज़न करेंगे वो क्या होगा आपके लिए बच्चों, फ्रूटफुल होगा मतलब कि फलदायी होगा, कि भाई परीक्षा में आपका क्या हो जाएगा, स्कोर हाई हो जाएगा। आपको क्या करना है बेटा, चाहे बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, GK हो और इंग्लिश हो, इन सभी सब्जेक्ट में आपको कभी भी कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब आप ठान लीजिए कि आपने साल भर जो भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करेंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और GK और इंग्लिश की क्लासेस आपको हमारे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे आपको हर दिन आपको क्लासेस मिलेगी। क्लासेस होगी आपकी, बायो की क्लास लगती है शाम को 7:30 बजे, ओके, लाइव सेशन होता है। फिजिक्स का आपका होता है आफ्टरनून में, और इसी प्रकार आफ्टरनून से लेकर के इवनिंग तक के आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के चलती रहती है। तो आपको दिन में क्या करना है, आपको करना है अपना थ्योरी रिवाइज और सेशन को ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। आइए आगे डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमारे पास में हम आपके PNST का सिलेबस बिल्कुल कम्प्लीटली किस तरीके से करें ताकि आप परीक्षा में अच्छा काम कर सकें। तो बेटा आपको सबसे पहला क्या करना है, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तीसरा लास्ट है बट नॉट लीस्ट क्या करना है, टेस्ट देना है। देखिए भाई आपको सबसे पहले रिवीजन करना है। भाई रिवीजन मैम आप करें तो करें कैसे, ढेर सारा पहाड़ जैसा सिलेबस है और आपको रिवाइज कैसे करना है। तो बच्चों याद रखिएगा आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट देखने हैं, और उन फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ये प्रैक्टिस करना है बच्चों। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री रेडी हो चुका होगा। देन बात आती है बायो पे, तो भाई बायो में आपने साल भर अपनी नोट्स बनाई होगी। आपने जो बायो की नोट्स बनाई है उनको आप हमारे रोज शाम के सेशन के पहले, जो हमारा रोज शाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन होता है उसके पहले आपको रिवाइज कर लेना है, और रिवाइज करने के बाद में आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो होता है वो ज्वाइन कर लेना है। कितने बजे बच्चों, 7:30 PM ये रोज आपकी लाइव क्लास चलती है। आज हम जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका Part 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो पक्का ज्वाइन करने आ जाइएगा। इसी प्रकार केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश की भी बच्चों, इंग्लिश की भी हमारे पास में क्लासेस चलती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ताकि आपका क्या हो जाए, टॉपिक भी रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। सेम फॉर GK मतलब सामान्य ज्ञान के लिए भी आपकी प्रैक्टिस क्लासेस चलती रहती है। बेटा याद रखिएगा थ्योरी पढ़ पढ़ के कभी कुछ नहीं होने वाला है, आपके एग्जाम में स्कोर तभी अच्छे आएंगे कब, जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारे लिए 5-star बात है। 5-star बात मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैसी होगी ये,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, मोस्ट आईएमपी। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा आफ्टरनून से लेकर के इवनिंग तक के YouTube चैनल पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन लाइव चलेंगे रोज। ओके बच्चा लोग, तो आप लोग को क्या कर लेना है, ज्वाइन। बस आपको कॉपी पेन लेके आना है, सेशन को ज्वाइन करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके इंग्लिश सारी के सारे सब्जेक्ट में आपके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चंस तैयार हो चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मतलब कि आखिरी में आया है पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया भाई, टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में है। टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, और अगर टेस्ट में कुछ गलती हो गई, अभी सुधार हो जाएगी, एग्जाम में नहीं हो पाएगी। इसलिए टेस्ट तो भाई आपको देना ही देना है। टेस्ट कैसा करना है बच्चों, देना ही देना है। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टेस्ट अपने को देना ही है बच्चों। चलिए, तो अभी हमने देखा कि आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन के बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशंस लगाने हैं। देखिए, घर बैठकर भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु घर पे अकेले कहाँ मन लगता है, इसलिए लाइव ज्वाइन कीजिए और ढेर सारे बच्चों के साथ में क्या कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि भाई सवाल आते कैसे हैं। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। और इस तरीके से आप अपने पीएनएसटी का सिलेबस क्या कर लेंगे, बहुत ही कम समय में बहुत उम्दा तरीके से तैयार कर लेंगे बेटा। ओके, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज का सेशन छोटा सा था, प्यारा सा था, पर आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बच्चा लोग, चलिए लास्ट में आपको धन्यवाद करना कैसे भूल सकते हैं, थैंक यू सो मच, आपने आया सेशन को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।